और खबर है कि ऑडियो लीक का मामला कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एमकेएम पाकिस्तान की राबता कमेटी तहलील कर दी है। राबता कमेटी ने आज सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी को वोट देने से मुतालिक फैसला करना था। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल पर मुश्तमिल एमक्यूएम का वफ्द कल इस्लामाबाद जाएगा, वजीर आजम के इशाइये में शिरकत करेगा। मजीद तफसलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आब्दी से। वजाहत बताएगा, क्या तफसलात हैं? आज देखिए मैं आपको बता सकूँ, आज राबता कमेटी के इजलास के अंदर बाकायदा तौर पर कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से राबता कमेटी को तहलील कर दिया गया है। जबकि बताया जा रहा है जराए की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक राबता कमेटी के इजलास के अंदर ऑडियो लीक होने का मामला पेश आया था, जिसके ऊपर राबता कमेटी के कन्वीनियर जो थे एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी बड़े भरम हुए थे। इसके बाद आज ये फैसला किया गया कि फौरी तौर पर राबता कमेटी को तहलील कर दिया जाए और तंजीम नौ का आगाज कर दिया जाएगा। जिसके बाद एमकेएम राबता कमेटी ने कन्वीनियर ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसमें मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, नसीन जलील, अनीस कैम खानी, कैफुल वला और रिजवान बाबर को शामिल किया गया। जबकि राबता कमेटी का एक वक्त जो है तीन रुकनी इस्लामाबाद भी जाएगा, जिसके अंदर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल है, जो इस्लामाबाद जाके वजीर आजम के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। जी ठीक, वजाहत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।